हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर ए बीएससी फर्स्ट ईयर जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो बुक्स लगती है उसका तो तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हम पढ़ रहे थे तो अभी तक हमने कहाँ तक आ, किया है सबसे पहले मैं दो वीडियोज फर्स्ट वीडियो में हमने डेफिनी एटोमिक स्ट्रक्चर थॉम्सन मॉडल रदर मॉडल किया उसके हमने यहाँ पे ड्रॉबैक्स देखी कि क्यों नहीं स्टेबल है ठीक है क्योंकि ये क्लासिकलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन से नहीं होता ये ओके उसके बाद बोहर ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था जो हमने डिस्कस किया इसके बाद हमने बोहर्स के सेकेंड वीडियो में हमने पॉस्टुलेट्स किए थे बोहर के बोहर ने क्या क्या बोला था कि किस तरह से मतलब जो एक एटम है वो स्टेबल रहता है तो इसका हम आपको जो मॉडल था वो ठीक लगा था तो ये हमने पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए थे ये हमने सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया आज हम सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी किसी भी बॉडी के प्रोडक्ट uh, हम एम इंटू वी ये हुआ लीनियर मोमेंटम ओके उसके बाद सेकेंड है वट इज़ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से डिनोट करते हैं सो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इज़ एम इंटू आर स्क्वेयर एम मतलब मास एंड आर मतलब रेडियस द थर्ड वन इज़ वट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको म्यू दिस इज़ म्यू इसे हम डिनोट करते हैं सो so, ये हुआ लीनियर विलासटी अपॉन रेडियस वी अपॉन आर एंगुलर विलासिटी नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगर मोमेंटम आई इंटू म्यू आई मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इंटू म्यू एंगुलर विलासटी एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर विलोसटी ये हुआ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ठीक है सो so, आज हम सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल करेंगे सो so, सबसे पहले बोहर ने क्या क्या बताया था एक तो बताया कि बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम सबसे इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द मॉडल एन एटम रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट कैन नॉट लूज एनर्जी दे इमिशन ऑफ रेडिएशन इज नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन वन ऑफ द एनर्जी लेवल्स एंडहस देर इज नो कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन दिस मॉडल ठीक है क्या कहा कि जो आ, बोहस मॉडल ने क्या कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये कोई भी रेडिएशन नहीं देगा रिमीन्स कोई भी ये मतलब ये स्टेबल स्टेबल uh, है ये ठीक है कोई भी इंस्टेबल नहीं है ये क्योंकि ये अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है ना दूसरे के ऑर्बिट में तो नहीं है सो दिस इज स्टेबल सेकंड बोहर कंसेप्ट ऑफ एटम एक्सप्लेन सक्सेसफुली द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास ना अपने एनर्जी लेवल्स हैं वेन द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रजेंट एज क्लोज टू द न्यूक्लियस एज पॉसिबल द एटम हैज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी एंड इज सेट टू बी द ग्राउंड स्टेट जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के एकदम पास होना उसको हम ग्राउंड स्टेट बोल देंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे जैसे मैं कोई भी हाइड्रोजन एटम लिया देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस शुड बी प्रेजेंट इन द लोएस्ट एनर्जी शेल जो है एन इक्वल टू वन शेल दिस रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम वैन एनर्जी फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स इज सप्लाई टू इट इट कैन एब्जॉर्व अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी and jump to her energy state. Such a state of an atom in which the atom possess more energy than passed in the ground state, is called excited state. isko kya bol denge Excited state. जब कोई भी एक atom ground state से ऊपर की हो जाएगा, यानी अब नीचे seven level to another level जाएगा, तो उसको हम excited state बोलेंगे. Thus for hydrogen atom first energy level. एन इक्वल टू वन इस कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ये मतलब ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ जब एन इक्वल टू वन हुआ न्यूक्लियस के क्लोज हुआ वो ग्राउंड स्टेट जो उससे थोड़ा हाई हुआ वो हमारा हुआ एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन थ्री सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये हुआ हमारा एक्साइटेड स्टेट this excited state is unstable and the electron tends to come back to the lower energy state this transition from upper to lower state occurs with a jump and energy emitted in the form of quanta equal to difference in energy between the two levels विद दिस क्वान्टम ऑफ एनर्जी स्ट्राइक्स द फोटोग्राफिक प्लेट्स इट गिव्स इट्स इम्प्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइन मतलब यही है बहुत ईजी है ये इतना टफ नहीं है इसमें कि कोई भी ग्राउंड uh, स्टेट से जब कोई भी एक्सेट्रेड स्टेट पर जाएगा मतलब ऊपर को जाएगा वो कभी भी नीचे आ सकता है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है तो उसको हम क्वान्टम इक्वल टू डिफ्रेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स ओके ये इसमें भी हमने एक एग्जाम्पल लिया इफ द इलेक्ट्रॉन्स कम बैक फ्रॉम एनर्जी लेवल्स हैविंग एनर्जी ई टू मान लो कोई भी एनर्जी लेवल्स ना ई टू में आ गया तो एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी वन, ई टू से जब वन में आया तो ई टू माइनस ई वन मस्ट बी एक्सप्रेस एच म्यू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हुआ एच म्यू ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच म्यू दस वी ई टू माइनस ई वन ओवर एच सिंस E2 and E1 can have only definite value for that atom. Therefore, we will have fixed value. Moreover, the energy of different energy levels are characterized of an atom. Therefore, the emitted frequency will also be characteristics of that atom. So the frequency kywa C over lambda. c ओवर लेमडा की एनर्जी ई टू माइनस ईवन ओवर एच लेमडा एच सी ओवर ई टू माइनस ई वन तो जो एच एंड सी आर कॉन्सटेंट हो जाएगा ई टू एंड ईवन कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट डेफिनेट एनर्जी दस ईच ट्रांजिशन फ्राम वन लेवल टू अनदर विल बी प्रोड्यूस अ लाइट ऑफ डेफिनेट वेव लेंथ सो ये हुआ हमारा सेकेंड ज की बोहर ने क्या सक्सेस दिया था ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट वॉज बोहर थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे हम उसको देखते अब बोहर ड्राइव्ड अ मैथमेटिकल इक्वेश एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या है वो ये पिच्ड हाइड्रोजन एटम एज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसका मास एम है और नेगेटिव चार्ज ई है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एंथ ऑर्बिट क्या हुआ ई एन इक्वल टू माइनस आर एच वन ओवर एन स्क्वायर। ये हुआ हमारा फॉर्मूला जो आर एच हुआ वो हुआ रेड बर्स कॉन्स्टेंट जो बस कॉन्सटेंट होता है वो किसके इक्वल होता है टू पाई स्क्र एम ई फोर एच स्केयर ई एन आर एच की जगह ये रेडबर कॉन्सटेंट लिख लेते हैं वन ओवर एन स्क्र एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर इसमें हमने वन लिया हुआ है सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन जिससे हम कोई भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते इलेक्ट्रॉन की ऑफ द हाइड्रोजन एटम सो so, आज की वीडियो में हमने सक्सेस करे तो कल हम पढ़ेंगे बहुत थ्योरी एंड ओरिजिन ऑफ और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए थैंक यू